टेरी मेंटल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT कक्षा 8 की जो हिंदी विषय की पुस्तक है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर RSCERT उदयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आपके 2024 के सत्र में जो मेन एग्जाम होगा बोर्ड का, उसमें आपका पेपर किस पैटर्न पर आधारित होगा, वही इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया गया है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ये इसका कुल अंक भार जो है वो 80 अंक है कि 80 अंकों का ये पेपर होगा और इसमें आपको इसको हल करने में 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो हम आज का ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बस की यात्रा पाठ के आधार पर। आपने बस की यात्रा जो हरिशंकर प्रसाई द्वारा एक व्यंग्यात्मक लेख है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें बस का ड्राइवर जो है वो बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्यों भेजने लगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने के कारण वो ऐसा करने लगा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है पुडुकोट्टई जो कहाँ पर है, तमिलनाडु का एक जिला है, उसकी महिलाओं ने स्वाधीनता आज़ादी गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसको चुना था। तो वहाँ की जो महिलाएँ थीं उन्होंने साइकिल को आज़ादी स्वाधीनता और गतिशीलता के लिए के प्रतीक के रूप में चुना था। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है। तो ओस की बूंद आपने देखा होगा सुबह के समय, रात को ओस गिरती है तो सुबह के समय पत्तों पर छोटी छोटी बूंदें हमें पानी की दिखाई देती हैं और जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो वो पानी की बूंदें भाप बनकर वापस उड़ जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दीवानों की हस्ती जो कविता है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित, उसके आधार पर छककर क्या पीते हैं। तो उसके आधार पर छककर सुख दुख के घोंटे पीते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे। तो जो सुदामा चरित जो पाठ है नरोत्तम दास स्वामी जी द्वारा रचित, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो वो किसके बारे में पूछ रहे थे, श्री कृष्ण के बारे में द्वारिका के लोगों से पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर देखता है। तो यहाँ रेखांकित मतलब किस शब्द के नीचे रेखा अंकित है उसका अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पाँखों, इसके नीचे ये अंडरलाइन है, तो इस पंखों का अर्थ क्या होगा। तो पक्षियों के क्या होते हैं, पंख होते हैं, तो पंख से ये इसका राइट हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 7 प्रय उपसर्ग का प्रयोग करके नवीन शब्द कौन सा बनेगा। तो आपको पता है उपसर्ग जो होता है ये तो मूल शब्द है और इससे पहले कोई शब्दांश लग जाता है वह क्या है, उपसर्ग है। तो शब्द से पहले शब्दांश लगेगा तो वो उपसर्ग होगा। तो इसमें मूल शब्द से पहले प्रय लगना चाहिए, जैसे इसमें गति है, गति मूल शब्द है, इसमें प्रय उपसर्ग जुड़ गया प्रगति हो गया। प्रहार में हार मूल शब्द है, प्रय जुड़ने से ये उपसर्ग जुड़ने से ये प्रहार हो गया। प्रदीप्त में दीप्त मूल शब्द है और प्रय उपसर्ग जुड़ने पर यह प्रदीप्त हो गया। तो इसमें सभी इन तीनों ऑप्शनों में प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीता मधुर गीत फिर है खालिस्तान है। तो इसमें आपको ऑप्शनों के आधार पर यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वो सेट करना है। तो इसमें गीता मधुर गीत सुनाएगी आता तब तो इसमें है कि कोई जरूरी नहीं थी। फिर दूसरा देखिए तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें आगे है दे रखा है गीता मधुर गीत सुनेगी, इसमें भी है कि जरूरत नहीं है तो ये भी नहीं आएगा।
गीता मधुर गीत सुनाती है, तो इसमें ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ऑप्शनों को चेक करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। गीता ने मधुर गीत सुना, तब ये सुना का वाक्य इस प्रकार हो जाता। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्रश्न नंबर 9, ये क्वेश्चन आपकी जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है बाज और सांप, उस अध्याय से ये क्वेश्चन लिया गया है। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? क्योंकि नदी की लहरें जो थी उन्होंने बाज की वीरता और साहस के लिए गीत गाया, जिससे वशीभूत होकर बाज जो है वो नदी की तरफ चल दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? तो ये जो आपका अध्याय है पी साईनाथ द्वारा रचित जहाँ पहिया है, उस अध्याय से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें कौन कौन से फायदे हुए? तो इसमें एक तो उन महिलाओं के समय की बचत हो गई, साइकिल चलाना उन्होंने सीख लिया तो उनके समय की बचत हुई, और वो अपने घरेलू सामान को लाने और ले जाने के लिए और बच्चों को लाने ले जाने के लिए भी साइकिल से ही आना जाना करने लगी, और साइकिल चलाने से महिलाओं की जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई। तो ये फायदे हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये है कठिन समय नहीं है, ये कविता है जिसकी रचयिता जया जादवानी है। तो इसमें इस कथन के पक्ष में एक तर्क आपको देना है। तो जो समय होता है वो कभी भी कठिन नहीं रहता, समय जो है वो बदलता रहता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे कि जिस प्रकार चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने के लिए तैयार रहती है क्योंकि वह घोंसले का निर्माण करना चाहती है, तो वो कहती है कि ये कठिन समय नहीं है, फिर भी वो कोशिश करती रहती है। तो ये एक तर्क हमने आपके सामने चिड़िया का दे दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुदामा चरित अध्याय से ये लिया गया है और इसके रचयिता जो है वो नरोत्तम दास जी हैं। सुदामा द्वारका को देखकर चकित क्यों रह गए थे? तो ये आपको बताना है। तो सुदामा द्वारका को देखकर चकित इसलिए रह गए कि वहाँ बड़े बड़े महल और जो द्वारका थी उसकी सुंदरता देखकर उसकी जो आँखें हैं वो चकरा गई, तो इस कारण वो चकित हो गए। वहाँ के बड़े बड़े महल और उनकी सुंदरता को देखकर वो चकित रह गए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो इसमें आधा नंबर, आधा अंक तो है मुहावरे के अर्थ का और आधा अंक है उसके वाक्य प्रयोग का। तो यहाँ दो दो अंक, इसमें एक एक के दो अंक हो जाएंगे, तो इसमें दो मुहावरे पूछे गए हैं, मतलब दो अंक। आंधी के आम होना, तो इसका क्या अर्थ होगा और इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। चार चांद लगना, इसका अर्थ लिखना है पहले तो यहाँ पर, और फिर वाक्य में इसका प्रयोग करना है। जैसे मान लो चार चांद लगना मतलब सुंदरता बढ़ा देना, शादी के समय दुल्हन के गहनों से उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए, उसी प्रकार ये वाक्य में प्रयोग आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवन का विलोम शब्द मरण होता है, मतलब विपरीत शब्द उल्टा शब्द। उसी प्रकार नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके भी विपरीत अर्थ मतलब विलोम शब्द आपको बताने हैं, सुखद दुखद साधारण विशेष, तो ये इसके विलोम शब्द हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो ये कौन सा अध्याय है और इसके रचयिता कौन है? तो आपने लाख की चूड़ियाँ जो कहानी पढ़ी है वो कामतनाथ द्वारा रचित है, तो उस कहानी से ये प्रश्न लिया गया है। तो क्या बदलू काका के क्या विचार थे ये आपको बताने हैं। तो जैसे ही गांव की औरतों को बदलू काका कांच की चूड़ियाँ पहनते हुए देखते तो वो उनसे कूद जाते, उनसे ईर्ष्या करते, क्योंकि जब सभी औरतों ने
कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दी तो बदलू काका का जो व्यापार था, जो काम धंधा था, वो ठप हो गया, क्योंकि उनकी लाख की चूड़ियों को कोई पूछने वाला नहीं था। इस कारण वो उनको भला बुरा कहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। तो ये उसी अध्याय से तीसरा क्वेश्चन है, मतलब जहाँ पहिया है, पी साईनाथ का जो अध्याय पाठ है, उस पाठ से संबंधित ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ हमें देखने को मिला है। महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए, क्योंकि पुडुकोट्टई जो जिला है वहाँ की महिलाएं जो थी वो पहले से घरेलू कामकाज करती थी, वो इन प्रतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद होना चाहती थी। उन्होंने आज़ादी के लिए साइकिल को चुना और इससे उसके आत्मसम्मान की जो भावना थी उन औरतों की वो जागृत हो गई और वो अपने कार्य सभी कार्य आत्मनिर्भर होकर आसानी से करने लगी थी। तो उन्होंने साइकिल चलाना अपना खुद का अधिकार मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो कोई चार सावधानियां आपको लिखनी है। तो आपने देखा होगा कि सड़क पर जब हम चलते हैं तो हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। पहले तो लिख देंगे कि हमें सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। फिर दूसरी लिख देंगे, हमें सड़क पर सड़क को क्रॉस करते समय दोनों तरफ आसानी से देखना चाहिए कि कोई साधन तो नहीं आ रहा है, और जो जेब्रा लाइन होती है उसी लाइन पर हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम सड़क पर चलते हैं सावधानियों दुर्घटना से बचने के लिए जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, ये आपको लिखना है। तो आप अपने शरीर को और शरीर के अंगों को किस प्रकार साफ करते हैं वो आपको लिखना है, कि अगर हम उनकी सफाई नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होंगे। तो ये आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ विशेषण शब्द दिए गए हैं 4, इनके वाक्य में प्रयोग आपको करने हैं। तो सबसे पहले हम देखें विशेषण होता क्या है। विशेषण होता है विशेषता बताने वाला, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द सर्व विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द भी विशेषण कहलाते हैं। या हम देखें सफ़ेद, तो आदमी ने सफ़ेद कोट पहन रखा है, एक वाक्य तो ये हो जाएगा। सुंदर, महिला ने सुंदर गहने पहन रखे हैं, दूसरा वाक्य ये हो जाएगा। गहरा मतलब सड़क पर गहरा गड्ढा बना हुआ था, एक वाक्य ये हो जाएगा। साफ मतलब हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए, तो ये 4 वाक्य हो गए। तो इस प्रकार आपको कोई भी 4 वाक्य बनाने हैं, ये नहीं कि मैंने बताया ऐसे ही, कोई भी आप बना सकते हो, मगर उनमें ये विशेषण शब्द जो है वो उस वाक्य में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे लिखे पद्यांश की 6% व्याख्या आपको करनी है। कछु भाभी हमको दियो तो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। तो ये जो पद है ये आपके जो पाठ्य पुस्तक है सुदामा, वो आपके जो वसंत पाठ्य पुस्तक है उसमें सुदामा चरित जो अध्याय है नरोत्तम दास जी द्वारा रचित, उससे ये व्याख्या ली गई है। तो इसमें हम लिखेंगे कि कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी जो है वो एक पोटली को बार बार अपने बगल में छिपा रहे हैं, कि वो एक पोटली लेकर गए थे, जब श्री कृष्ण उनके पैरों को धो रहे थे तब तो वो उस पोटली को बार बार छिपा रहे थे।
तो श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछ लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो आपको उपहार दिया है वो आप मुझे क्यों नहीं देते। क्योंकि जो सुदामा था वो उस उपहार को देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहाँ ये राजा भोज और कहाँ मेरे लाया गया तुच्छ उपहार, मैं इसको कैसे दूँ। इसलिए वो उस उपहार को छुपा रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का चयन करके आपको मिलान करना है। सबसे पहले हम देखें ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? जानकारी। दिशि मतलब दिशाएं, दहु मतलब दस, बैर मतलब दुश्मन, आपा मतलब आपा खोना, आपा अहम, क्रोध मतलब गुस्सा। तो ये मिलान हमने कर लिए। अगला क्वेश्चन है दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों को चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। कह वाला है हम तो केवल यह आंकते हैं, इसमें केवल आ जाएगा मतलब एक नंबर पर केवल। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, ये दो नंबर आ जाएगा मोही। दोपहर दिवस जाने घर सोने, तो घर वाला तीन नंबर आ जाएगा। शीश पगाने जगा तन को, तो चार नंबर में तन आ जाएगा यहाँ पर। आगे चना गुरुमातो मतलब पांच पर गुरुमातो आ जाएगा इसमें। लास्ट है प्रभु के प्रताप मतलब छः, प्रताप के दाख में भावत। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हो गए। अब हम आगे बात करें तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये गद्यांश आप पढ़ें और इनमें से ढूंढ कर ही आपको जवाब देने हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण माना जाता है। तो ये तो गद्यांश हो गया। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया। तो यहाँ आप देखेंगे महत्व नहीं दिया तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, तो आप लिखेंगे भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, इस जगह पर लिखना है भौतिक वस्तुओं के संग्रह, फिर आगे है को अधिक महत्व नहीं दिया। यहाँ संग्रह तक इसके जगह लिखना है और बाकी ऐसा वैसा उतार देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं। तो हम देखें तो स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं कौन कौन से, तो लिखेंगे मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार विद्यमान रहते हैं। तो ये आदि तक लिखना है इसकी जगह, कौन से की जगह लिखना है लोभ मोह काम क्रोध आदि, और ऐसा का ऐसा आपको उतार देना है। अगला थर्ड का क्वेश्चन है सबसे बुरा आचरण क्या है। तो सबसे बुरा आचरण जो क्या है कि अपने मन और बुद्धि को दूसरों के इशारे पर छोड़ देना, ये सबसे बुरा आचरण माना है। कि बुरा आचरण मन तथा अपने मन तथा बुद्धि को जो अपने लोभ मोह है जो स्वाभाविक गुण जो विद्यमान होते हैं अपने अंदर उनके इशारे पर छोड़ देना ही सबसे बुरा आचरण माना जाता है। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा ये वन। अब हम आगे बात करें तो नीचे विलोम शब्द दिए गए हैं वो आपको गद्यांश से ढूंढ कर लिखने हैं। तो सबसे पहला है अस्थिर और अवगुण। तो इसमें हम ऊपर देखें तो इसमें स्थिर
इसमें ए उपसर्ग जुटकर वो विलोम शब्द बना है और दूसरा अवगुण है तो गुण में अव उपसर्ग जुटकर वो विलोम शब्द बना है। तो अस्थिर का स्थिर और अवगुण का गुण विलोम शब्द हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या फिर आशा हैं। आप बीमार हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो आप एक प्रार्थना पत्र लिखें। वही सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, फिर नीचे की लाइन में किशनगढ़, फिर विषय बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र, फिर महोदय सादर नम्र निवेदन है कि मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता या नहीं हो सकती क्योंकि मैं बहुत ही बीमार हूँ, इसलिए आप मुझे 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। फिर मोहित या आशा, इनमें से एक नाम लिख देना है। अगर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य लिखा है तब आपको आशा नाम लिखना है कि वो तो लड़की के लिए है और आपका आज्ञाकारी शिष्य ये लड़के के लिए है तो वहाँ आपको मोहित नाम लिखना है। या फिर अगर आपको प्रार्थना पत्र नहीं आ रहा है तो आप ये संवाद लिख सकते हैं। 2 मित्रों के बीच में जो बातचीत होती है वो यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार आप भी एक अपने दूसरे मित्र से मिलते हैं तो किस प्रकार आप बातें करते हैं तो वो बातें यहाँ पर आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो इनमें से जो भी आपको बढ़िया आता है वो आप एक निबंध चयन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यही इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन था। तो इस प्रकार ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।